हेलो स्टूडेंट, एसबीएन ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आरके वर्मा, बी पार्ट सेकंड पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो सेकंड पेपर है भारतीय राज्य व्यवस्था, उसमें आज का नया टॉपिक संघीय संसद पढ़ने जा रहे हैं अपन। संघीय संसद के अंतर्गत ये देखने को मिलता है कि अपना जो भारत देश है, भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। ब्रिटेन की तरह संसदीय प्रणाली लागू की गई है। संसदीय प्रणाली के अंदर मुख्य रूप से द्विसदनात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है भारत देश में, और हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में, 79 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में लिखा गया है कि भारत में एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और उसके दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। ये 79 की अनुशंसा बताती है, भारत में एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और उसके संसद के दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। अर्थात संसद द्विसदनात्मक से इसमें क्या समझे, आपके संसद के दो सदन होंगे, प्रथम सदन और द्वितीय सदन, यानी निम्न सदन और उच्च सदन। अब अपन देखते हैं संसद किसको बोला जाएगा। संसद ये समझना है, जिसको पार्लियामेंट भी बोलते हैं। संसद के अंतर्गत इसमें जैसे बताया गया था कि संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों से मिलकर क्या बनती है, संसद बनती है। तो कहने का मतलब आप इनको बोलेंगे संसद के अंग। संसद के अंग भी तीन बताए गए, हमारी जो संसद है उसके तीन अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो इन तीनों अंगों के अंदर राष्ट्रपति को मुख्य माना गया है, राष्ट्रपति को अभिन्न अंग बताया गया है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होगा, अर्थात राष्ट्रपति को इन दोनों सदनों से अलग नहीं किया जा सकता। वो इसलिए बताया गया राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग क्योंकि उनके हस्ताक्षरों के बिना, उनकी सहमति के बिना, स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक कानून का रूप धारण नहीं कर सकता, कानून नहीं बन सकता। राष्ट्रपति की हस्ताक्षर के पश्चात ही विधेयक कानून बन सकता है। इस कारण राष्ट्रपति को संसद का क्या बताया गया है, अभिन्न अंग बताया गया है इसमें। तो हमें ध्यान में रखना है कि संसद के तीन अंग है, जिनसे मिलकर जो संसद बनती है वो ही तीन अंग कहलाते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये संसद के तीन अंग कहलाते हैं। फिर इसके बाद अगला बिंदु जो अपन पढ़ेंगे वो है संसद के प्रमुख सदन। संसद के प्रमुख सदन दो बताए गए हैं, ये ध्यान में देने वाली है। संसद के दो प्रमुख सदन बताए गए हैं, पहले का नाम है लोकसभा, लोकसभा, और दूसरे का नाम राज्यसभा, राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, निम्न सदन, और राज्यसभा को उच्च सदन भी बोला गया है, उच्च सदन बोला गया है। लोकसभा को प्रथम सदन भी बोलते हैं और राज्यसभा को द्वितीय सदन भी बोलते हैं। ये संक्षेप में आपको जानकारी दी गई है, संसद के दो सदन होंगे, उनके क्या क्या नाम होंगे। एक का नाम लोकसभा, जिसको निम्न सदन बोलते हैं, दूसरे का नाम राज्यसभा, जिसको उच्च सदन बोलते हैं। तो ये संसद के दो प्रमुख सदन होते हैं। अब अपन इन दोनों सदनों का अध्ययन करेंगे, तो अपन इनमें से बारी बारी से इनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहले है लोकसभा। लोकसभा संसद का महत्वपूर्ण अंग मानी जाती है, प्रथम सदन कहलाता है। लोकसभा के बारे में, लोकसभा नोट करें, संसद का पहला जो अंग है लोकसभा, जिसको आप आगे लिख सकते हैं निम्न सदन भी बोलते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो नाम वो
सीधे नाम न देकर ये पूछा जाता है कि संसद का निम्न सदन कौन सा कहलाता है, एग्जाम में आ जाता है, तो निम्न सदन कहलाता है लोकसभा, प्रथम सदन ही बोलते हैं इसको। अब लोकसभा किस प्रकार गठन होता है उसका, ये सारी बातें लोकसभा के बिंदुवार इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लोकसभा का गठन, लोकसभा का गठन पढ़ेंगे अपन, गठन या रचना कि लोकसभा किस प्रकार बनती है, किस प्रकार लोकसभा का गठन होता है। भारत के अंदर लोकसभा भारत के राज्यों से एवं राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य व मनोनीत सदस्यों से मिलकर बनती, मनोनीत सदस्य होते हैं इसके अंदर संसद के लोकसभा के अंदर मनोनीत सदस्य होते हैं। तो कहने का मतलब गठन के अंदर अपन सदस्य संख्या का अध्ययन करेंगे, ये ध्यान देंगे आप, गठन में क्या बताया गया सदस्य संख्या। तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या 200, लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या है वो अलग अलग रूप में होगी, यानी इसमें राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य आएंगे और मनोनीत सदस्य आएंगे, दो प्रकार से आएंगे इसमें, कुछ तो चुनाव के माध्यम से आएंगे और कुछ राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। मनोनीत सदस्य कौन से होते हैं, वे सदस्य होते हैं जिनका चुनाव नहीं होता है, वो मनोनीत सदस्य कहलाते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर लोकसभा के अंदर 543 सदस्य निर्वाचित सदस्य होंगे, निर्वाचित होंगे 543 सदस्य निर्वाचित, यानी राज्यों व संघ शासित प्रदेशों से निर्वाचित होंगे, और केवल 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, मनोनीत सदस्य ध्यान में रखेंगे। मनोनीत सदस्यों की संख्या पूछ ली जाती है कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इस प्रकार कुल सदस्य संख्या होगी 545 लोकसभा के सदस्यों की संख्या बताई गई है। राष्ट्रपति जिन सदस्यों को मनोनीत करता है उनको आंग्ल भारतीय बोलते हैं, अर्थात वे व्यक्ति जिनका साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान हो, अग्रणी रहे, उनको मनोनीत सदस्य बोला जाता है। तो ये बातें हमने लोकसभा के गठन के बारे में पढ़ी है। अगला बिंदु लेंगे योग्यताएं कि कौन व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बन सकता है, तो इसके अंदर अनेक योग्यताएं बताई गई है। पहली जो योग्यता बताई गई है वो है वह व्यक्ति जो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसके संबंध में ये बताया गया कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, वह भारत का नागरिक हो। दूसरी जो योग्यता बताई गई है वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। ध्यान देने की बात है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की आयु, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए, तो वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरी जो योग्यता बताई गई है कि वह सरकारी सेवा में या किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। अगली योग्यता बताई गई है वह किसी न्यायालय के द्वारा दंडित नहीं होना चाहिए, मानसिक रूप से पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये लोकसभा की योग्यताओं के बारे में अपन पढ़ेंगे इसमें। इसके बाद
अपन अगला जो बिंदु लोकसभा के बारे में जो पढ़े हैं वो है लोकसभा का निर्वाचन। निर्वाचन लोकसभा का निर्वाचन यानी चुनाव। निर्वाचन का मतलब होता है चुनाव। लोकसभा के लोकसभा का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, अर्थात जनता अपनी पसंद के आधार पर, अपनी वरीयता के आधार पर, अपनी चॉइस के आधार पर सीधे रूप से अपनी प्रतिनिधि का चुनाव करती है, उनको लोकसभा में भेजती है। तो प्रत्यक्ष रूप से ध्यान देंगे, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से यानी जनता द्वारा, और जनता लोकसभा में जिनको चुनकर भेजती है उनको सांसद यानी एमपी बोला जाता है प्रत्यक्ष रूप से, यानी उन सदस्यों को क्या बोलते हैं एमपी, ये ध्यान देंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है इसको। तो लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। फिर है कार्यकाल, अगला बिंदु कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः संविधान के अनुसार 5 वर्ष निर्धारित है। 5 वर्ष बताया गया है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, परंतु ये भी कहा गया है कि 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है, और लोकसभा के कौन व्यक्ति भंग कर सकता है तो संविधान में ये बताया गया है कि लोकसभा को केवल और केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही भंग की जा सकती है। यानी ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकेगा, भंग कर सकता है। ये बात इसके कार्यकाल में संदर्भ में है। सामान्यतः तो 5 वर्ष होता है, परंतु 5 वर्ष से पूर्व भी, इस समय से पूर्व भी प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा भंग की जा सकती है। तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है परीक्षा के लिए कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है। लोकसभा को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है, ये ध्यान देने वाली बात। निर्वाचन कार्यकाल हो गया। फिर है इसमें सत्र यानी बैठक, अधिवेशन। लोकसभा के जो सत्र हैं वो वर्ष में 2 बार निर्धारित होने चाहिए, ये बताया गया है। सत्र वर्ष में 2 बार होने चाहिए, प्रत्येक सत्र के मध्य अधिकतम 6 माह का अंतर होना चाहिए। ये बातें सत्र के बारे में बताई गई है, कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र होने ही चाहिए, बैठक होनी चाहिए। फिर पदाधिकारी, पदाधिकारी लोकसभा के मुख्य मुख्य पदाधिकारी कौन होंगे। लोकसभा के पदाधिकारी के बारे में ये बताया गया, लोकसभा के अंदर 2 प्रमुख पदाधिकारी होंगे। एक का नाम होगा अध्यक्ष, जिसको स्पीकर भी कहा जाता है। अध्यक्ष पहला पदाधिकारी होगा, अध्यक्ष दूसरा होगा, उपाध्यक्ष दूसरा होगा, उपाध्यक्ष यानी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो अध्यक्ष का जो चुनाव निर्वाचन चुनाव है वो उन सदस्यों में से किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाता है। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 2 पदाधिकारी होते हैं। अध्यक्ष का प्रमुख जो कार्य है वो सदन में शांति और अनुशासन को बनाए रखना है, ये लोकसभा अध्यक्ष का मुख्य कार्य बताया गया है। फिर है पदाधिकारी के बाद, इसमें निर्वाचन हो गया, कार्यकाल हो गया, सत्र हो गया, पदाधिकारी हो गए, और इसके बाद कोरम, कोरम के बारे में पढ़ेंगे। कोरम जिसको गणपूर्ति बोलते हैं हिंदी के अंदर, गणपूर्ति। और गणपूर्ति क्या होती है, सदन में सदन के अंदर निर्धारित न्यूनतम व्यक्तियों की जो संख्या बताई गई है उसको गणपूर्ति कहा जाता है। तो कहने का मतलब वह न्यूनतम सदस्य संख्या सदन की वह न्यूनतम संख्या जिसकी पूर्ति होने के बाद उस सदन की कार्यवाही संचालित हो सके उसको गणपूर्ति बोला गया है। तो संविधान अनुसार हमारे लोकसभा के अंदर जो गणपूर्ति रखी गई है वो 1/10 है, सदन की कुल संख्या का 1/10 सदस्य गणपूर्ति के रूप में निर्धारित किया गया है। यानी कुल सदन की 10% सदस्य होंगे तो ही उस सदन की बैठक हो सकेगी। ये सारी बातें किसके अंतर्गत बताई गई है,
गणपूर्ति के अंदर कोरम के अंतर्गत बताई गई हैं। ये सारी बातें हमने बिंदुवार लोकसभा के बारे में पढ़ी है। अब दूसरा सदन है उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। दूसरा सदन जो बताया गया है वो है राज्यसभा। राज्यसभा 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 को अब अपन अगला सदन जो संसद का है वो राज्यसभा बताया गया है। राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, लोकसभा के बाद में राज्यसभा। राज्यसभा राज्यसभा को द्वितीय सदन या उच्च सदन बोला जाता है। उच्च सदन बोला गया है इसको, राज्यसभा को उच्च सदन और द्वितीय सदन बताया गया है इसको। अब इस गठन के बारे में पढ़े, गठन रचना। तो राज्यसभा के गठन और रचना के बारे में ये है, यानी इसकी सदस्य संख्या किस प्रकार बताई गई है इसकी। तो राज्यसभा के सदस्यों की जो संख्या है, सदस्य संख्या, वो भी इसी प्रकार है। राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य, इन दोनों से मिलकर बनती है राज्यसभा की सदस्य 245 होती है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 निर्धारित की गई, कुल संख्या 245 बताई गई। किस प्रकार होगी? राज्य और संघ शासित क्षेत्रों से मिलकर तो आएंगे, निर्वाचित तो कराएंगे 233 सदस्य, 233 कैंडिडेट्स जो है वो 233 राज्यसभा से आएंगे और जो निर्वाचित होंगे चुनाव द्वारा, और 12 सदस्य मनोनीत सदस्य कहलाएंगे। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा, यानी ये सदस्य वे सदस्य होंगे जिनके चुनाव नहीं होंगे, केवल राष्ट्रपति इनको मनोनीत करेगा 12 सदस्यों को। इस प्रकार 233 से 12 245 सदस्य हो गए, और वो मनोनीत सदस्य आंग्ल भारतीयों के रूप में जाने जाएंगे जिनका विशेष योगदान कला क्षेत्र विज्ञान और कला क्षेत्र विज्ञान समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी होगा, उनको मनोनीत सदस्य बोला जाएगा। नेक्स्ट है गठन के बाद में योग्यताएं। योग्यताएं योग्यताएं के संदर्भ में केवल इतना ही डिफरेंस रखा गया। सामान्यतः लोकसभा की योग्यता जो निर्धारित की गई है उन योग्यताओं में केवल आयु को छोड़कर, आयु अलग रखी गई राज्यसभा के लिए, आयु को छोड़कर अन्य जो योग्यताएं वो समान ही है। तो कहने का मतलब वह भारत का नागरिक हो और आयु संबंधी आप ध्यान रखेंगे। मुख्य रूप से जो राज्यसभा के सदस्य, कौन व्यक्ति राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है, कौन व्यक्ति राज्यसभा में जा सकता है, जिसकी आयु न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो। राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। 30 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुका वो व्यक्ति राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। बाकी सभी योग्यताएं वही निर्धारित है जो लोकसभा के रूप में है, कि वो किसी न्यायालय के द्वारा दंडित नहीं हो, लाभ के पद पर नहीं हो और मानसिक रूप से पागल और दिवालिया नहीं हो। ये सारी बातें राज्यसभा के रूप में भी है, भारत का नागरिक भी हो। तीसरा बिंदु जो अपन पढ़ेंगे वो है निर्वाचन। निर्वाचन के आधार पर, निर्वाचन में क्या बताया गया है? चुनाव, चुनाव। तो ध्यान दें, राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, अर्थात इनका चुनाव सीधे रूप से न होकर इनडायरेक्ट रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला बिंदु है कार्यकाल।
अवधि कार्यकाल। राज्यसभा का कार्यकाल लोकसभा की तुलना में अधिक होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष बताया गया है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष बताया गया है। साथ ही इसको ये कहा गया है कि राज्यसभा स्थायी सदन होता है। स्थायी सदन यानी ये कभी भी भंग नहीं होता है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। नोट करेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे कि वह संसद का कौन सा सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो वो सदन राज्यसभा है जो कभी भी भंग नहीं होती है। और ये सदन भंग क्यों नहीं होता है, क्यों बताया गया इसके बारे में? राज्यसभा इसलिए भंग नहीं होता है क्योंकि प्रति दो वर्ष के बाद इसके सदस्य इतिहास सदस्य पद से रिटायर हो जाते हैं और उनके स्थान पर उतने सदस्य चुन लिए जाते हैं। इस कारण इसको बताया गया है स्थाई सदन, जबकि लोकसभा अस्थाई सदन है और राज्यसभा ही क्या है, स्थाई सदन। तो आप कार्यकाल 6 वर्ष और नोट कर देंगे, स्थाई सदन बोला गया। स्थाई सदन किसको बताया गया है? राज्यसभा स्थाई सदन कहलाता। फिर है पदाधिकारी, इधर ध्यान देंगे, इसके पदाधिकारी भी दो ही होते हैं परंतु इसके नाम अलग अलग हैं। पदाधिकारी दो बताए गए इसमें, पहला पदाधिकारी सभापति होगा और दूसरा पदाधिकारी उपसभापति होगा। सभापति कौन होगा? जो राष्ट्रपति होगा, सॉरी उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का सभापति कहलाएगा। सभापति उपराष्ट्रपति को माना गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति कहलाता है, वो ही राज्यसभा के सदस्यता बैठक की सभापतित्व करता है इसमें, इस कारण उसको उपराष्ट्रपति को सभापति माना गया है। फिर दूसरा होता है उपसभापति, ये सारी बात इसके अंतर्गत आती है। फिर है कोरम समान ही रखा गया कि जैसे लोकसभा का बताया गया था उसी प्रकार जो दूसरा सदन है राज्यसभा है उसका कोरम भी 1/10 ही रखा गया, 10वां हिस्सा सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा सदन की सदस्य संख्या कोरम के रूप में होगी, न्यूनतम सदस्य संख्या होगी। तो ये सारी बातें इसके अंतर्गत बताई गई, अर्थात जैसे भारत के अंदर जो राज्यसभा है उसका कोरम कम से कम उस बैठक को संचालित करने के लिए 1/10 होनी चाहिए, यानी 25 सदस्य इसमें होनी चाहिए न्यूनतम रूप से, ये सारी बात इसमें बताई गई। तो 245 का कितना, 25 सदस्य राज्यसभा के। अब ये सारी बात इसके अंतर्गत आती है और बैठक वही है, 70 वर्ष में 2 बार होनी चाहिए, 2 सत्रों के बीच में अधिकतम 6 माह से ज़्यादा अंतर इसमें नहीं रखा गया है, ये सारी बातें इसके अंतर्गत बताई गई है सारी। अब एक सामान्य तरह से जो बातें हैं वो इसके अंतर्गत रखी गई हैं, संघीय संसद के अंदर दोनों सदनों को विस्तार से बता दिया गया है, लोकसभा भी आ गया और राज्यसभा भी आ गया। अब इसमें अपन संसद के जो दोनों सदन हैं उन सदनों की तुलना भी करें कि जो संसद के जो दो सदन बताए गए हैं उन सदनों की परस्पर तुलना, यानी लोकसभा व राज्यसभा की तुलना, कंपैरिजन करें इनके बीच में, यानी अंतर कि दोनों सदनों में क्या क्या डिफरेंस बताया गया है। तो हमने दोनों सदन पढ़ लिए हैं, लोकसभा भी पढ़ ली और राज्यसभा भी पढ़ ली, तो दोनों में क्या क्या डिफरेंस रखा गया है इसमें, तो जो बिंदुवार हमने अध्ययन किए उसी के आधार पर इनके डिफरेंस इसका अंतर मालूम कर लेंगे इसमें। तो पहला हमने सदस्य संख्या के आधार पर अंतर करेंगे इसमें, वही बात है क्योंकि सबसे पहले हमने सदस्य संख्या गठन पढ़ा था, तो सदस्य संख्या के आधार पर अंतर कर देंगे इसमें। तो लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी बताई गई थी, 545। लोकसभा की सदस्य संख्या 545 होती है, जबकि राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी होती है, 245। ये दोनों में क्या है, डिफरेंस है।
फिर है योग्यता, योग्यता संबंधी अंतर, योग्यता संबंधी अंतर। योग्यता में अपन केवल आयु को लेंगे, आयु के आधार पर अंतर करेंगे। योग्यता में आप नोट कर देंगे यहाँ पर आयु के आधार पर डिफरेंस। लोकसभा के सदस्यों की जो आयु है वो न्यूनतम आयु कितनी वर्ष निर्धारित की गई है, 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा के सदस्यों की आयु 30 वर्ष बताई गई है, न्यूनतम आयु 30 वर्ष। ये आयु के आधार पर अंतर हो गया। फिर है कार्यकाल, अगली तुलना जो है वो दोनों सदनों के बीच में अपन करेंगे, वो है कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, 5 वर्ष, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल क्या है, 6 वर्ष निर्धारित किया गया। अगला अंतर स्थायित्वता के आधार पर, स्थायित्वता के आधार पर। स्थायित्वता का मतलब ये होता है कौन सा सदन तो स्थायी और कौन सा सदन अस्थायी, ये अंतर में मालूम करेंगे इसमें। तो लोकसभा को अस्थायी सदन बताया गया, ये डिफरेंस है इसमें। लोकसभा क्या है, अस्थायी सदन है, इसको भंग किया जा सकता है कभी भी समय से पूर्व, इसको भंग किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा को स्थायी सदन बताया गया, स्थायी सदन बताया गया इसमें। अगला जो अंतर है वो अब अपन जो अंतर डिफरेंस अपन मालूम करेंगे वो है इसके अंतर्गत सीटों के आधार पर, सीट के आधार पर, यानी अपना जो राज्य है उस राज्य की अलग अलग सीटें हैं, सबकी समान सीट नहीं है। तो विशेषकर अपन राजस्थान जो राज्य से संबंधित है तो उसके संदर्भ में अंतर डिफरेंस कर लेंगे इसमें। राजस्थान के अंतर्गत लोकसभा की जो सीट है वो 25 बताई गई, 25 सीट नोट करें, राजस्थान से 25 सदस्य लोकसभा में जाते हैं इसमें चुनाव जीतकर, और राज्यसभा में 10 सदस्य, कितनी सीट निर्धारित की है, 10 सदस्यों की सीट है राज्यसभा में। ये सीट के आधार पर क्या हो गया, अंतर हो गया इसके अंतर्गत। फिर पदाधिकारी, पदाधिकारी के आधार पर अंतर भी है इसमें। पदाधिकारी में वही है, लोकसभा के पदाधिकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहलाते हैं, और राज्यसभा के पदाधिकारी सभापति और उपसभापति के नाम से जाने जाते हैं। तो ये इनमें अंतर किया गया है इसमें। फिर अपन सामान्यतः शक्तियों के बारे में देखें तो लोकसभा को विशेष शक्तियों के आधार पर, दोनों सदनों की जो तुलना करें वो विशेष शक्तियों के आधार पर है। कुछ शक्तियाँ क्या हैं, दोनों सदनों को समान शक्तियाँ प्राप्त हैं इसमें पढ़ेंगे अपन, और कुछ शक्तियाँ अलग अलग शक्तियाँ प्राप्त हैं तो विशेष शक्तियाँ बोली जाती हैं उनको, कि वे कौन सी शक्तियाँ जो लोकसभा को तो प्राप्त है राज्यसभा को प्राप्त नहीं। तो ये सारी बातें हैं इसके अंदर। तो विशेष शक्तियों के अंदर लोकसभा यानी अविश्वास जो प्रस्ताव है वो लोकसभा में पारित होता है, ये सारी सबसे पहले ये बातें हैं इसके अंदर। विशेष शक्तियाँ लोकसभा को प्राप्त है इसमें। और अगर उधर राज्यसभा की देखें तो राज्यसभा है कि किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने की जो शक्ति है वो इसको विशेष शक्ति कहलाती है। ये दोनों के आधार पर क्या है, मुख्य रूप से अंतर मालूम हो गया इसमें, अंतर किया जाता है विशेष शक्तियों के आधार पर। तो इस प्रकार दोनों में क्या है, डिफरेंस है लोकसभा और राज्यसभा। अपन टॉपिक पढ़ रहे थे संघीय संसद, जो इसी के अंतर्गत आ गया है पूरा डिटेल से। अब संसद की इस लेसन के अंदर लास्ट जो होती है वो है संसद की शक्तियाँ, प्रमुख रूप से कौन कौन सी बताई गई है जो कंप्लीट इसके बाद में। तो आप संसद की प्रमुख शक्तियाँ कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, नंबर एक विधायी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, और दूसरा कार्यपालिका शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ, और तीसरा वित्तीय शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, और अन्य शक्तियाँ। ये सारी इसके अंतर्गत आ जाएगी कार्यपालिका की, ये संघीय संसद की शक्तियों के अंतर्गत प्रमुख शक्तियों में। विधायी शक्ति में जो संसद को अधिकार दिया गया है विधायी शक्ति में, वो कानून बनाने का अधिकार है। तो संसद है वो कानूनों का क्या करती है, निर्माण करती है, ये उसकी विधायी शक्तियाँ कहलाती है। सूची के आधार पर यानी संसद समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाती है, और ये सारी बातें इसमें विधायी
शक्तियों के अंतर्गत आता है, और राज्यसभा ने अगर किसी को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके उसको सिफारिश की हो तो संसद उस पर क्या बनाएगी, कानून बनाएगी, या विधानमंडलों द्वारा, राज्यों के विधानमंडलों द्वारा किसी विधेयक को आरक्षित रखकर, सुरक्षित रखकर राज्य ने उस पर कानून बनाने के लिए संसद को कहा गया हो, तो संसद ऐसे राज्य विधानमंडलों के विषय में कानूनों का क्या करती है, निर्माण करती है। राज्य विधानमंडलों के विषय में क्या बनाती है, कानून बनाती है, समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ये सारी बातें विधायक शक्ति के अंतर्गत है। कार्यपालिका शक्ति अर्थात कार्यपालिका जो होती है, उस कार्यपालिका में क्या आता है, मंत्रिमंडल आता है, मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल मुख्य रूप से जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा के आधार संसद के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। संसद के प्रति क्या होते हैं, वो उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा के प्रति व्यवहार में लोकसभा के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, उनको जवाबदाह बनाया गया है। ये सारी बातें कार्यपालिका संबंध में होते हैं। मंत्रियों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूरा प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनसे सवाल जवाब किया जा सकता है। ये सारी जो बातें हैं संसद इनके माध्यम से क्या रखती है, उन पर नियंत्रण रखती है। अविश्वास प्रस्ताव लाकर, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाकर, कटौती प्रस्ताव लाकर, शून्यकाल के द्वारा, ये सारी बातें हैं वो कार्यपालिका शक्ति कहलाती है। फिर है वित्तीय शक्तियाँ। वित्त में क्या आता है, बजट आता है। बजट, बजट संसद के अंदर पारित किया जाता है मुख्य रूप से। तो जिस जो क्या होता है, प्रतिवर्ष की आय व्यय का विवरण होता है, आय और व्यय, आमदनी और खर्च का विवरण प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है इसके अंदर। ये सारी बातें जो संसद के द्वारा निर्धारित होते हैं, कौन से इसके अंदर लागू किए जाएंगे, कौन सी दरों को घटाया जाएगा या बढ़ाया जाएगा, ये सारी बातें संसद इसमें निर्धारित करती है, उसको बोला जाता है वित्तीय शक्तियां। अर्थात इसके अंदर संसद की स्वीकृति के बिना संसद की स्वीकृति के बिना धन खर्च नहीं किया जा सकता। जनता के धन पर संसद का पूरा क्या होता है, नियंत्रण। धन पर संसद का नियंत्रण होता है, ये बात इसके अंतर्गत होती है, क्योंकि संसद ही लोक लेखा समिति एवं प्राकलन समिति, इनके नाम नोट करेंगे आप, ये महत्वपूर्ण समितियां होती है संसद के अंदर, इन समितियों का गठन करती है और इनके माध्यम से धन पर क्या रखती है, नियंत्रण रखती है। महालेखा नियंत्रक जो परीक्षक होता है उसकी प्रतिवेदन के आधार पर, उसकी रिपोर्ट के आधार पर नियंत्रण रखती है, देखरेख करती है। ये सारी बातें जो होता है वो वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत बताया गया है। फिर है अन्य शक्तियों में ये बताया गया है कि अन्य शक्तियों के अंदर कि जैसे राष्ट्रपति को सर्व क्षमादान का अधिकार प्राप्त है, तो उसमें उस मंत्रिमंडल की या संसद की सहमति या स्वीकृति लेना क्या है, आवश्यक है। ये विविध शक्तियाँ होती हैं, और जैसे संकटकाल की अवधि राष्ट्रपति के द्वारा लागू कर दी गई और उस अवधि को आगे बढ़ाना है, तो उसमें भी संसद की स्वीकृति क्या है, आवश्यक है। तो राष्ट्रपति को जो संसद की कुछ कार्य होते हैं उसमें संसद की जो स्वीकृति लेनी होती है, उन स्वीकृति संबंधी कार्यों को बोला जाता है अन्य शक्तियाँ हैं। इसमें संकटकाल के समय हैं और सर क्षमादान के समय हैं, ये सारी बातें इसी के अंतर्गत आ जाती हैं। फिर संसद की संशोधन संबंधी शक्तियाँ भी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद संविधान में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। अगली शक्ति हो गई संशोधन संबंधी शक्ति, जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 के आधार पर ही संसद क्या करती है, नोट कर देंगे आप, अनुच्छेद 368, यह महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो पूछा जाता है, 368 के अनुसार संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो समग्र परिस्थिति के अनुसार अगर लागू नहीं हो तो उसके आधार पर नया संशोधन भी ला सकती है, संविधान के साथ जोड़ सकती है या उसके प्रावधान को हटा सकती है। ये जो बातें हैं वो संविधान संशोधन
के अंतर्गत बताया जाता है। फिर है निर्वाचन संबंधी शक्ति, निर्वाचन संबंधी शक्ति। निर्वाचन संबंधी शक्ति में आप ये समझेंगे कि संसद के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, वो कहलाता है निर्वाचन संबंधी शक्ति कहलाता है। ये सारी बातें इसके अंतर्गत बताई गई है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।